हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल के बड़ी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ओनली फॉर सेटअप के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि यहां से मेरे से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। जी हां दोस्तों, यहां से आज बात करें, काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन मार्केट खुला था 22 मार्च, काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन मार्केट खुला था। यूरो JPY आप देख सकते हैं दोस्तों, तो इस लेवल से दोस्तों मेरा कॉन्फिडेंस और भी हाई हो चुका था, क्योंकि मैं यहां से सोच रहा था बाइंग का, यहां से जैसे ब्रेकआउट करेगा तो मैं यहां बाइंग करने वाला हूं। बट यहां से मैं अपने पर्सनली कुछ काम से थोड़ा सा बाहर चला गया था, इसके कारण मैं मार्केट को वॉच नहीं कर पाया। तब तक आया तब तक मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना दी थी इस तरीके से, और अभी देखा जाए तो दोस्तों यहां से मार्केट लगभग अपना 50% का मूवमेंट देखा चुका है। मैं टारगेट का सोच रहा था दोस्तों कुछ इस लेवल का, यहां पे टारगेट का आप देख पाएंगे, ये रेल लाइन आपको दिख रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आज की बाइंग अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं मिस हो चुकी है। तो क्या था दोस्तों आज का सेटअप, किस लॉजिक के साथ मैं यहां से बाइंग करने वाला था, मुझे लगा क्यों ना आप सबके साथ शेयर किया जाए, जिससे आपको लर्निंग के लिए थोड़ा कुछ मिला जाए। तो दोस्तों क्या है सेटअप, चलिए समझ लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच करना। एंड दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए यार, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, क्योंकि ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो हम यहां से हमारे इस टेक्निकल के वीडियो यूट्यूब चैनल से पब्लिश करते रहते हैं। दोस्तों आप देखेंगे यहां से फर्स्ट मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था कुछ इस तरीके से, आपको थोड़ा जूम करके दिखाएं। सबसे फर्स्ट मैंने यहां से एक स्विंग को पकड़ा था कुछ इस तरीके से, आपको यहाँ से विजिबल हो पाएगा। इसके बाद दोस्तों थोड़ा नीचे चलेंगे, नीचे देखेंगे आप, यहाँ से मैंने एक स्विंग को ये पकड़ा था। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ से आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं हम लोग, इसके माध्यम से समझते हैं दोस्तों। यहाँ से जो स्विंग यहाँ से पकड़ा था कुछ इस तरीके से, ये हमारा स्विंग था, और यहाँ से मार्केट अगर आप देखेंगे दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से गैप डाउन आज मार्केट खुला था। ये देखिए दोस्तों नीचे आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन मार्केट खुला है, ठीक है, ये देखिए दोस्तों। तो यहाँ से मेरा स्टार्टिंग से ही जो व्यू था कहीं ना कहीं बाइंग की तरफ मैं सोच रहा था, लेकिन कुछ रीजंस ढूंढ रहा था। फर्स्ट रीजन मुझे यहाँ से मिला ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मार्केट ने बहुत अच्छे से किया, आप देखेंगे यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, सॉरी रेजिस्टेंस लिया। इसके बाद नीचे देखिए आप, नीचे एक सपोर्ट की तरह यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, यहाँ से एक सपोर्ट लिया, इसके बाद फाइनली थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया। इस लेवल से दोस्तों मैं यहां से मार्केट को देखना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं अपने काम में थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा बाहर जाना पड़ा, मुझे मार्केट जाना पड़ा, इसके कारण मैं थोड़ा सा मार्केट को देख नहीं पाया, ठीक है, थोड़ा सा मुझे अपना पर्सनली काम था। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ से तो बहुत शानदार, यहाँ से आप देखेंगे मार्केट ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया है, ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छा ब्रेकआउट। जब तक मैंने देखा तो यहाँ से ऊपर से ग्रीन कैंडल बना दी थी मार्केट ने कुछ इस लेवल का, और अभी अगर देखा जाए तो यहाँ से मैं टारगेट का सोच रहा था दोस्तों इस लेवल का, अभी देखा जाए तो लगभग 50% मूवमेंट मार्केट यहाँ से दिखा चुका है। तो अब कोई लॉजिक नहीं बनता दोस्तों यहाँ से ट्रेड प्लेस करने का। अगर यहाँ से रीटेस्ट करने आता है मार्केट तो फिर हम यहाँ से बाइंग जरूर करने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, मुझे नहीं लगता शायद मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करने आएगा, अगर आता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। और आप देखेंगे यहाँ से गैप भी कहीं ना कहीं फिलअप हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ से फर्स्ट फॉल हमने देखा कि हमारी जो ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन को मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया था बहुत शानदार। तो दोस्तों इसको देखते हुए मैं यहाँ से फर्स्ट अपना कन्फर्मेशन मान रहा था कि ये बहुत शानदार एक पहला कन्फर्मेशन है जिसको देख कर हम ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। सेकेंड कन्फर्मेशन की अगर बात करें दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ से मैंने एक सपोर्ट लेवल भी ड्रॉ किया था, जिसको मार्केट ने बहुत अच्छे से यहाँ रिस्पेक्ट किया है, और इस सपोर्ट लेवल को भी मार्केट ने यहाँ से आप देखेंगे तो दोस्तों ब्रेकआउट कर दिया है। तो ये दोस्तों मेरा सेकंड कंफर्मेशन था। इसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक बड़ा वाला गैप डाउन दिखेगा। देखिए दोस्तों आज मार्केट काफ़ी बड़ा यहाँ पे गैप डाउन खुला था, ये देखिए दोस्तों। तो यहाँ से हम सोच रहे थे इस गैप को फिलिंग करने के लिए मार्केट 100% इस गैप को जरूर फिलिप करेगा। तो मैं क्या सोच रहा था दोस्तों, यहाँ से मार्केट गया, इसके बाद फाइनली नीचे आ गया, यहाँ से मुझे लगा कि एकदम रिटेस्ट करने के लिए, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर के लेवल तक जाएगा ही जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से दोस्तों मैं यहां से 3 सॉलिड कन्फर्मेशन के साथ आज की ट्रेड को बाइक डायरेक्शन में यहां से प्लेस करने वाला था, बट कुछ अपने पर्सनली काम की वजह से मैं यहां से प्लेस नहीं कर पाया हूं। अगर दोस्तों अभी भी हम ट्रेड को प्लेस करते हैं तो दोस्तों ये बहुत बड़ी हमारी कहीं ना कहीं एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आप देखेंगे 50% लगभग मार्केट अपना मूवमेंट कर चुका है, हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, टारगेट आप देखेंगे दोस्तों वही रखने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं कोई लॉजिक नहीं बनता दोस्तों यहाँ से ट्रेड प्लेस करने। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था, क्यों ना
आज का सेटअप आपको साथ शेयर किया जाए जिससे आपको लर्निंग के लिए मिला जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ से थोड़ा कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला है वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।